हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है विपिन कुमार मंडल और मैं आज चेकशीट के बारे में बताने जा रहा हूँ। चेकशीट 7 क्यूसी टूल्स का एक इम्पोर्टेंट टूल है। चेकशीट ये डेवलप किया था डॉक्टर कौरू इशिकावा। चेकशीट होता क्या है? चेकशीट इज अ फॉर्म और फॉर्मेट used for collect data in real time from the location where data is generated. Checksheet is a form or format, मतलब एक document है जो कि हम data collection के लिए use करते हैं। Data कहाँ से कलेक्शन होगा? जहां पर डेटा जनरेट होगा, जहां पर भी डेटा जनरेट होगा वहां पर डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। डेटा जो होगा वो सब क्वांटिटेटिव डेटा होगा जिसपे हम एनालिसिस कर सके। हुआ क्या था, इन्होंने इशिकावा डायग्राम डेवलप किया। अब इशिकावा डायग्राम जब डेवलप किया फिर इन्होंने सोचा कि डेटा कहां से आएगा, अब हमें डेटा भी तो चाहिए। इशिकावा डायग्राम के बाद फिर धीरे धीरे और सारे अलग अलग टूल्स, चार्ट, ग्राफ बनने लगा है, तो उसके लिए भी डेटा चाहिए। अब डेटा बनेगा, डेटा कलेक्शन होगा, वो डेटा आएगा कहाँ से? तो इशिकावा ने सोचा क्यों ना हम एक फॉर्मेट बना दिया जाए, जिस पर सारा डेटा का कलेक्शन करें, जो लोग ईजीली उसको देख सके और डेटा को जनरेट कर सके। चेकशीट दो टाइप के होते हैं, एक तो जिसे हम टॉबुलर टाइप कहते हैं, टॉबुलर चेकशीट, टॉबुलर चेकशीट या टैली चेकशीट भी कहते हैं, टैली टाइप चेकशीट। टॉबुलर टाइप चेकशीट होता क्या है? ये कुछ इस टाइप से बनता है। हम डेली बेसिस पे हम लेते हैं या मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे वो डेटा है। मान लीजिए यहाँ पर कोई डिफेक्ट्स और यहां पर लिखा होगा डेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 पूरा मंथ का हो गया, राइट। यहां पर लिखा होगा टोटल कि हमारे डेटा का डेली टोटल भी होता है। अब डिफेक्ट, ए डिफेक्ट, बी, सी, डी, ई, एफ,
मान लो कंपनी में जितने टाइप रेगुलर डिफेक्ट्स आते रहते हैं, शीट मेटल के अलग होते हैं, मशीनिंग के अलग होते हैं, रबर के अलग होते हैं, प्लास्टिक के अलग होते हैं, कास्टिंग के अलग होते हैं, सभी कंपनियों में अलग अलग डिफेक्ट जनरेट होता है, उसके हिसाब से हम डेटा बनाते हैं। तो वही डिफेक्ट लिखा है मैंने, एग्जाम्पल लिया ए बी सी डी एफ और आगे। अब ये डिफेक्ट मान लो डेली बेसिस में हम अगर बना रहे हैं तो ये डिफेक्ट्स 2 आया 4 आया 6 आया 8 आया 3 आया 10, इस टाइप से हम डेली इसको डेटा को करते रहेंगे। 2 तारीख को करेंगे, 3 तारीख को, 4 तारीख को, ऐसे 30 डेज का डेटा हम कलेक्ट करेंगे। ये सिंपल टेबुलर चेकशीट है, लेकिन एक इसमें देखने वाली चीज़ है, इसमें दूसरी चीज़ भी लिखा हुआ है टैली चेकशीट। टैली टाइप में कुछ इस टाइप से होता है, यहाँ पर 2 की जगह पे हम सिर्फ इस टाइप से डिनोमिनेटर लगा देते हैं, 4 की जगह पे 1 2 3 4, 6 की जगह पे 1 2 3 4 5 and 6, 8 की जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 3 की जगह पे 3 1 2 3, और यहाँ पर ये 2 pair 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 2 pair हो गए 10। इस टाइप से टैली होता है, ये हो गया टेबुलर टाइप चेकशीट। अब दूसरा जो चेकशीट है, अब इसका फायदा क्या है, हमें डेली डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटा को कैटेगराइज कर रहा है कि ये डेटा कौन सा है, बी डेटा कौन सा है, सी डेटा कितना है, डी डेटा कितना है, ई डेटा कितना है, एफ डेटा कितना है। एक तो फायदा ये हो गया कि क्वालिटी डेटा को ये हमें कैटेगराइज करके दे रहा है। दूसरा, हमें इजीली इसका हम एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर डेटा ही करेक्ट नहीं होगा, हम किसी से पूछेंगे कंपनी में कि भाई डिफेक्ट कितना आया, तो कोई नहीं बता सकता, प्रॉपर कोई नहीं बता सकता। यहाँ पर प्रॉपर ये बता सकता है कि हाँ ये डिफेक्ट, ये इतना इतना ये डिफेक्ट आया। इस डिफेक्ट में चेकशीट इतना नहीं है, चेकशीट का मतलब हो गया है कि डिफेक्ट कौन ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, कौन कौन जिम्मेदार है डेटा को बनाने के लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, कब कब डेटा लिया जा रहा है, जो 5 W's है, when, where, who, what, ये सारे चीज इसमें यूज होता है, वो मैं आगे कराऊंगा अभी। अभी हम सेकेंड टाइप ऑफ चेकशीट में बात करेंगे। सेकेंड चेकशीट क्या होता है, सेकेंड टाइप जो चेकशीट होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। दूसरा, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। दूसरा है ग्राफिकल चेकशीट। ग्राफिकल चेकशीट को बनाने के लिए भी हमें इस डेटा की टेबुलर की जरूरत पड़ेगी। ये डेटा हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, ये डेटा हमारे फाइल पे लग जाता है मंथली बेसिस, डेली बेसिस पे, लेकिन उसको शो करने के लिए हम कुछ रिक्वायर्ड अलग से नहीं बनाते, तो ये दूसरा फॉर्मेट है ग्राफिकल चेकशीट। ग्राफिकल चेकशीट में होता क्या है, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं और हम एनालिसिस करने जाते हैं, जैसे हम क्वालिटी की अगर एनालिसिस करें तो क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में रोज डेली एक हमारे पास प्रोसेस होता है, डेली रेडबिन एनालिसिस। तो डेली रेडबिन एनालिसिस जब होता है तब हम ये तो हम बनाते हैं, ये डेली रिजेक्शन वाला हम बनाते हैं, उसके साथ साथ ग्राफिकल भी जरूरी है उसी जगह पे, कि लोगों को, कस्टमर को, हमारे और भी जो सीएफटी टीम है उनको पता चलता रहे कि हाँ हमारा ग्राफ डेली कितना जा रहा है, हमारा रिजेक्शन कितना जा रहा है। इसमें हम उतने मजे से, मतलब उतने मजे से हमें एनालिसिस करने मिलेगा जितना इसमें हमें क्लैरिटी मिलेगी। इसमें क्लैरिटी ये मिलती है, अब ये एक्स और वाई एक्सिस में बनता है ग्राफ, इसमें नीचे डिफेक्ट आ जाएगा
और ये बीच सॉरी डिफेक्ट वाइज मत बनाओ, डेट वाइज बनाओ। डिफेक्ट वाइज भी बना सकते हो, अलग अलग है, लेकिन हम मंथली ले रहे तो हम डेट वाइज बनाएंगे। और यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी में हम यहाँ पर तो हमारा डाटा इतना ही है, डेली टोटल करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 इस तरह से 100 तक आप ले जाओ, 200 तक आप ले जाओ, जितना आपका डेली रिजेक्शन निकलता है उस हिसाब से आप एक ग्राम बना लो। और यहाँ पर डेट लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस स्टेप से हमें पूरा 30 तक डेट ले जाओ। अब हम अगर टोटल करेंगे यहाँ पर कितना हुआ, 2, 4, 6, 6 और 5, 11, 11 और 8, 19, 19, 22, 22 और 10, 32 टोटल हुआ है 32। 32 हमारे पास एक तारीख का है, तो एक तारीख को हम 32 में यहाँ पर हम एक डॉट लगा देंगे। फिर दूसरे दिन मान लो यहाँ पर हम 40 दिखाते हैं, यहाँ पर 50 दिखाते हैं, यहाँ पर 30 दिखाते हैं, यहाँ पर फिर 20 दिखाते हैं, तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। और 2 तारीख को 40, तो 40 में हम यहाँ पर 50 है नहीं, 50 हमने बनाया नहीं, तो इसको हम 40 से कम रखते हैं, इसको हम 10 रखते हैं। फिर हम 3rd को 10 पे आ जाते हैं, फिर हम 30, फिर 30, फिर तो 20, वहाँ पर भी 20 हो गया। इसको हम ग्राफिकल टाइप से शो करते हैं, ये हमारा बन गया। और यहाँ पर डेटा हम डिस्प्ले कर सकते हैं, 32, 40, 10, 30, 20। ये दो टाइप के हमारे पास चेकशीट हो गया, एक टेबुलर चेकशीट और एक ग्राफिकल। टेबुलर चेकशीट रिकॉर्ड रहता है, और ये जो ग्राफिकल चेकशीट है ये डिस्प्ले होता है, ये डेली बेसिस पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं, तो हमें रेडबिन एनालिसिस टीम को ये पता चलेगा कि हाँ हमारे पास आज 32 रिजेक्शन है, 40 रिजेक्शन है, 10 रिजेक्शन, क्योंकि ये तो हम डिस्प्ले नहीं करते, ये तो हम अपने फाइल में लगाते हैं। अब ये ग्राफिकल क्यों ज़रूरी है, ग्राफिकल इसलिए ज़रूरी है, डाटा जब हम डाटा एनालिसिस करेंगे तो डाटा एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले तो ग्राफिकल होना ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ईजिली समझ में आ जाता है कि डेटा कहाँ जा रहा है, कब कितना ऊपर जा रहा है, कब कितना नीचे जा रहा है। दूसरा, टॉप मैनेजमेंट जब कंपनी के अंदर मूव करते हैं या फिर डिपार्टमेंट में आते हैं तब भी डेटा इजीली दिखता है कि हाँ हमारा रिजेक्शन ये चल रहा है डेली का। ये चेकशीट हमारे पास बन के तैयार हो गया। अब चेकशीट का यूज क्या क्या है, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि यूज ऑफ 5 W's इन चेकशीट। First W who means who is responsible
for data collection or who is responsible to generate defects abnormality जैसे हम अगर बात करें तो हु इज रिस्पॉन्सिबल डेटा कलेक्शन, तो इसमें तो प्रोसेस ओनर हो जाता है, जैसे लाइन का प्रोसेस है तो उसका लाइन के प्रोसेस ओनर राइट, अगर इनकमिंग का है तो इनकमिंग का प्रोसेस ओनर, अगर मेंटेनेंस का है तो मेंटेनेंस का प्रोसेस ओनर, अगर कस्टमर कंप्लेंट्स का है तो उसका प्रोसेस ओनर, हर एक प्रोसेस का एक ओनर होता है जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा कलेक्शन करने के लिए। अब दूसरा क्या लिखा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट डिफेक्ट एबनॉर्मलिटी, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है कि हाँ मेनली हम अगर ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पर ऑपरेटर और फाइंड भी करता है, तो फाइंड फाइनल इंस्पेक्शन में अगर हो तो फाइनल इंस्पेक्टर क्या वो जनरेट नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ वो फाइंडिंग कर रहा है इंस्पेक्टर, तो ये लोग मिलकर डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा देते हैं हमको, हम उसको कलेक्ट करके एक जो भी फॉर्म है चेकशीट है उस पर हम लिखते हैं। दूसरा जो है वो व्हाट, इसमें कहा है व्हाट काइंड ऑफ डेटा टू बी कलेक्टेड, व्हाट काइंड ऑफ डेटा कलेक्टेड मीन्स यहां पर डेटा को डिफाइन करना पड़ेगा, वी हैव टू डिफाइन द डेटा कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज जनरेटेड, मान लो इन प्रोसेस रिजेक्शन एग्जाम्पल, इन प्रोसेस रिजेक्शन फाइनल रिजेक्शन कस्टमर कंप्लेंट्स supply rejection breakdowns machine tools sub features sub cover hai location for data collection location bhi wahi hai in process rejection means in process या हम कह सकते हैं शॉप फ्लोर, फाइनल इंस्पेक्शन एरिया कस्टमर, कस्टमर के यहां से है तो कस्टमर, सप्लायर के यहां से तो सप्लायर का नाम, कौन से सप्लायर
ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग डेटा, डिपार्टमेंट वाइज भी कर सकते हैं, प्रोसेस वाइज भी कर सकते हैं, ऑपरेशन वाइज भी कर सकते हैं, जहाँ से डेटा आपको मिल रहा है वहाँ का नाम आप उस फॉर्मेट में लिख लीजिए। ये जरूरी है। हु हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, अब जो रह गया वो रह गया व्हेन। मीन्स टाइम, टाइम मीन्स हो गया आपके पास किस शिफ्ट का है, शिफ्ट ए बी डेली बेसिस में है तो डेली बेसिस, वीकली है तो वीकली, मंथली है तो मंथली, ईयरली है तो ईयरली। Why the data to be collected? Data क्यों collect किया जाएगा ये सभी को पता होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उस real काम नहीं करेगा वो, डेटा फेक बनाएगा और फेक डेटा का एनालिसिस करने का कोई फायदा नहीं है। आप एनालिसिस करोगे फिर एक्शन किस पे लोगे, क्योंकि वो डेटा तो फेक है, हमारे पास कोई भी रिजेक्शन आता नहीं है, वो हम डेटा बना रहे हैं और जो रिजेक्शन आता है उसका हम डेटा नहीं बना रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि वाई द डेटा टू बी कलेक्टेड, वो इसको पता होना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल है डेटा का, और जो जनरेट डिफेक्ट जनरेट कर रहा है उसको भी पता होना चाहिए। अगर उसको पता नहीं होगा तो वो डिफेक्ट जनरेट करके छुपा देगा या फिर फेंक देगा कहीं, क्योंकि डेटा वो दिखाएगा नहीं, उसे ये नहीं पता कि एनालिसिस करने से नेक्स्ट टाइम शायद प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए उसको बताना जरूरी है कि डेटा को क्यों कलेक्ट किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास वही है फॉर एनालिसिस, फॉर रिकॉर्डिंग, रिव्यू के लिए किया जाता है कि डेटा को, ये सारे हमारे 5 W's हैं जिसको हम फॉर्मेट में या डेटा कलेक्शन या चेकशीट में यूज करते हैं। डेटा कलेक्शन से पहले हम एक और चीज करते हैं कि डेटा जनरेट ही ना हो, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन हाँ ये है कि कुछ उसमें सुधार आ जाए। उसमें हम क्या करते हैं, चेकशीट जैसे ही हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, चेकलिस्ट, अगर हम चेकलिस्ट बनाएंगे तो डेटा हमारे पास कम जनरेट होगा। चेकलिस्ट को मिस्टेक प्रूफिंग भी कहा गया है, क्या मिस्टेक प्रूफिंग तो है नहीं, लेकिन यह है कि आप प्रिवेंशन हो जाता है। चेकलिस्ट क्या है, लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज रहता है, चेकशीट और चेकलिस्ट। चेकशीट यूज होता है डेटा कलेक्शन के लिए, ये यूज होता है कोई भी प्रॉब्लम जनरेट होने से पहले एक चेकलिस्ट लगाया जाता है कि हमारा प्रॉब्लम कम से कम आए, कि हम डेली चेक ऑन चेक हम करते रहे। हम इसलिए चेकलिस्ट लगाते हैं, जैसे हम अगर इंटरनल ऑडिट करते हैं तो इंटरनल ऑडिट चेकलिस्ट, डेली मशीन चेकलिस्ट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकलिस्ट, ये सारी चीजें क्या होती है, चेकलिस्ट, ये प्रॉब्लम को प्रिवेंट करता है। ये अगर इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग, चेकलिस्ट में वो पॉइंट्स डाले जाते हैं जो पॉइंट्स हमारे या हमारे एक्सपीरियंस कहता है, हमारे या तो पास्ट में कभी प्रॉब्लम आ चुकी है उसको हम चेकलिस्ट में डालेंगे,
या फिर हमारा एक्सपीरियंस या एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम कि हाँ हमें पता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसको हम डेली चेक करें, मंथली चेक करें या फिर ईयरली चेक करें, ये चेक एंड चेक के लिए पॉइंट्स हैं। इसमें चेकलिस्ट में हम डेली मेंटेनेंस चेकलिस्ट ले लेते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकलिस्ट लेते हैं। इंटरनल ऑडिट चेकलिस्ट, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए भी हम चेकलिस्ट या चेक एंड चेक लगाते हैं। ये हो गया चेकलिस्ट। चेकशीट डेटा कलेक्ट करता है, चेकलिस्ट कोई चेकलिस्ट होता है जिसको देखकर हम किसी भी प्रॉब्लम को मेंटेनेंस, किसी भी प्रॉब्लम को हम जो प्रॉब्लम की अक्रेंस है उसको हम कम करते हैं कि हाँ हम डेली चेक कर रहे हैं उसकी वजह से ये चीज ठीक है। डेली चेकलिस्ट में हम डेली चेकलिस्ट में साफ सफाई भी हम डाल देते हैं कि साफ सफाई भी हम करते हैं। ये तो हो गया चेकलिस्ट की बात। हमने 5 W's भी कर लिया, चेकलिस्ट भी जान लिया, चेकशीट हमें पता चल गया क्या है। चेकलिस्ट चेकशीट दो टाइप के होते हैं, टेबुलर टाइप और ग्राफिकल टाइप। चेकशीट कहाँ कहाँ यूज होता है वो हमें पता चल गया है। अब हम जानेंगे कि फायदा क्या है चेकशीट का। बेनिफिट्स ऑफ चेकशीट, पहले तो डेटा क्लारीफाई करता है, क्लारीफाई करता है। दूसरा हमें डेटा जो देता है वो डिफेक्ट वाइज देता है, डेटा डेट वाइज देता है, डेटा लोकेशन वाइज देता है, और गुड अरेंजमेंट जिससे हम गुड अंडरस्टैंडिंग। यही हमारा चेकशीट है, चेकशीट कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो, मेरी ट्रेनिंग पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कभी भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपके पास वो लिस्ट में आ जाएगा, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।